हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्षेत्र मिति पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सारे फॉर्मूले और कैसे डेराइव करते हैं वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए। अगर आपको पहले से याद है फॉर्मूले तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? अब हम बना लेते हैं समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोली है, उन्होंने बताई है, तो ऊंचाई कितनी है? 3.46 है। और अब हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप। परिमाप का मतलब ये बाहर का पूरा जोड़ निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है हमें पता है फॉर्मूले से। यहाँ पे जो गिवन है और फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट 3/2 × a। ए का मतलब भुजा, इसकी भुजा आप सपोज कर लीजिए कितनी है, ए है। तो अंडर रूट 3/2 कितना दिया हुआ है, 4/6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे ए का, तो ए कितना हो जाएगा, 3/4 6, ये 3.46 इंटू टू और डिवाइडेड बाय √3। √3 की वैल्यू हमें पता होती है, हमने पढ़ रखी है, कितनी होती है, 3.462 और √1.732 वन तक जाता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये इससे 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आप इसको जैसे ही कट करेंगे वन जा और ये टू जा, तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें मिल गई 4। अगर हमें ए की वैल्यू 4 मिल गई है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप या तो आप कर लीजिए ए धन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 ए। तो हमने लिख दिया 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। तो यहाँ पर हमारे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम ये चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी अगेन कि अगर आपने कहीं किताब से पढ़ रखा है और या फिर किसी वीडियो से, कहीं से भी अगर आपने फॉर्मूला आपको पता है और फॉर्मूला डिराइव करना कैसे निकालते हैं ये पता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है और उनका क्षेत्रफल कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। अब उन्होंने बोला कि दो लंबवत, लंबवत भुजाएं उसकी यही हैं, लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 17। तो अगर एक भुजा x है तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, x − 17, तभी तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 17। अब हम इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब इतना ही करना है। अब इसका क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई है ना। अब आधार क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, अब हम इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, 1/2 और आधार कितना हो गया x और ऊंचाई कितनी हो गई x − 17 और हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 84। इसको इजी कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, 1/2 में से तो हम 2 को इधर भेज देते हैं, तो सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना बचेगा, x × x − 17 और यहाँ से 2 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। और इसको कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x² − 17x और इसको 168 = 0। अब इस हमें क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको आपस में घटाएं तो कितना हो, 24 हो, और सॉरी घटाएं तो कितना हो, 17 हो, या जोड़ दें कुछ भी करें और उसको गुणा करें तो वो 168। इसको ऐसे तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स को आप कर दो एक्स और x² माइनस का हम लिख दें 24x, माइनस का 24x और प्लस का लिख देते हैं 7x है ना।
ये सही है। और इसके बाद -168 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स -24, और यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स -24, दैट मीन्स इसका मतलब 0। अब हमारे पास इसके दो फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, एक्स +7 और एक्स -24 इक्वल टू 0। और एक्स की वैल्यू हमें एक बार मिली है -7 और दूसरी बार मिली है एक्स की वैल्यू प्लस का 24। अब हमें इसकी तो वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई 24, है ना, एक्स की वैल्यू मिल गई 24, तो हमें ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 -17, दैट मीन्स कितना 7, और ये हो गया हमारा 24, एक्स इक्वल टू मिल गया 24। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई है लंब वाली, तो अब आप ये कर्ण की तो ज्ञात कर लेंगे हम ना, ये कर्ण की भुजा हमें ज्ञात करनी है। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये इसको अगर आप फिर से कुछ भी सपोज कर लीजिए कि एच ही मान लेते हैं, एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर और कितना 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमने पढ़ा चुका है कितना होता है, अगर आपको नहीं आता याद कर लीजिए, 576 और 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने से, अंडर रूट 625, ये 9 6 15 और ये 57 4 61 और 1 62, है ना। अब इसको एच स्क्वायर, अब एच स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर और ये, तो कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू आ गई 25। अब हमें क्या मिल गया, इनकी दोनों तीनों भुजाएं मिल गई हैं, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप देख लीजिए, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। पहली भुजा हमें मिल गई थी 24, दूसरी मिल गई 7, तीसरी मिल गई 25, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 7, तो 6, और हमारे पास 1 बच गया है, 2 2 4 1 5, है ना, 56 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये था और आंसर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सभी तरह के फॉर्मूले याद रहेंगे तो वी कैन इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द मेंसुरेशन। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। अगेन आप एक समकोण बना लेते हैं, हम समकोण बना लिया, अब इसके बाद जो समकोण बना रही हैं भुजाएं कितनी है, एक को आप देख लीजिए 15 सेंटीमीटर, दूसरी 20 सेंटीमीटर। फिर से हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये 20 है ये 15 है, तो कितना हो जाएगा, इसको सपोज कर लीजिए ये एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400। अब हमने निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना 400 225, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 625, 625 और एक्स की वैल्यू आ गई 25, है ना, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। इसलिए हमने पहले भी बोला है कि आप ये चीज़ें याद कर लीजिए, घन और वर्ग याद हो जाएंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 25 आ गई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं, पहली भुजा कितनी, तीनों भुजाओं का योग, पहली भुजा 15, दूसरी भुजा 20, तीसरी भुजा 25 और यहाँ से हमने 5 दे दिया इसको, तो कितना हो गया ये 30 और 40, 40 20 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने देख लिया कहाँ है, ये हुआ हमारा आंसर। थैंक यू।